हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो लास्ट वाला जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने पैराबोला का सेक्शन देखा था, एनसीईआरटी भी देखी थी और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी देखा था। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम देखेंगे सर्कल के क्वेश्चन 11.1। थोड़ा उल्टा स्टार्ट किया है, ठीक है। 11.1 के अंदर क्या है? सर्कल। तो उसके एनसीईआरटी भी देखेंगे और एक्स्ट्रा भी देखेंगे। स्टार्ट करें, सीधी बात, नो बकवास। ऑलराइट, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसे कहते हैं सर्कल। ये आपका सर्कल है, ओके। और ये इसका सेंटर है। सेंटर को यहां पर HK के नाम से जाना जाता है। HK, H क्या है? X कोऑर्डिनेट। K क्या है? Y कोऑर्डिनेट। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो HK है, ओके। ये है रेडियस इसकी, इसे बोलेंगे रेडियस। इसे बोलेंगे रेडियस। सेंटर हो गया HK, R हो गया रेडियस। तो सर्कल की इक्वेशन होती है, आप कहोगे सर 10th क्लास में तो ऐसा था नहीं, जब तो वो 10th क्लास थी, अब आप 11th में आ गए तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सर्कल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आप पहली बार सीखोगे। सर्कल की इक्वेशन भी होती है, सर्कल की इक्वेशन भी होती है बच्चों, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन भी होती है। तो एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। फॉर्म बोलो या इक्वेशन बोलो, बात एक ही है, इसे इक्वेशन भी बोल सकते हैं। वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यह है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें जो H और K आपको दिख रहे हैं वो सेंटर है, और R जो दिख रहा है वो रेडियस है। बात समझ में आ गई? तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जरा बोल के बताओ, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सर्कल की एक जर्नल फॉर्म भी होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बट ये वाली फॉर्म ना एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, एनसीईआरटी के अंदर केवल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो न्यूमेरिकल सारे स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करना है, बट अलग अलग स्कूल में कुछ टीचर बता देते हैं, तो बता दें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। ऐसी होती है सर्कल की जर्नल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। इसके अंदर जो सेंटर बनता है सर्कल का सेंटर, वो होता है माइनस जी और माइनस एफ, माइनस जी और मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है अगर वो फोर है तो हम टू लेंगे, हम कितना लेंगे टू, क्योंकि जी लेना है और ये टू जी है एक्चुअली। अगर वो फाइव है तो हम फाइव बाय टू लेंगे, सेवन है तो सेवन बाय टू, टेन है तो फाइव फाइव, ठीक है, और माइनस के साथ। और इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस इसकी रेडियस होती है आपकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसकी रेडियस है। अजीबोगरीब टॉपिक है। तो एनसीईआरटी के अंदर ओनली दिस पार्ट, दिस पार्ट इज नॉट इन एनसीईआरटी, बट टीचर्स कराते हैं स्कूल के अंदर, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ क्या से क्या है। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहां पर बच्चों। मान लो मैं आपसे बोल दूं एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये सर्कल की इक्वेशन है, ओके। और मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड करो इसका सेंटर, सेंटर बताइए। इसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूं रेडियस बताइए, दो बातें पूछ रहा हूं। बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जर्नल फॉर्म है? तो सबसे पहला टास्क ये रहेगा, आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, ये तो वो है जो आपको दे रखा है, ये वो है जो आपको मालूम है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है, ऑल ओके। yes, अब कंपैरिजन, अब क्या होगा इसका कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहां कितना है माइनस एच, यहां कितना है माइनस फोर, तो ऐसे बोल दू माइनस एच इज इक्वल टू माइनस फोर, एच की वैल्यू फोर आ गई। आगे देखो यहां कितना है माइनस के, यहां कितना है प्लस थ्री, तो माइनस के इज इक्वल टू प्लस थ्री, के की वैल्यू माइनस का थ्री आ गई। यहां कितना है आर स्क्वायर, यहां कितना है 16, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और स्क्वायर वहां जाएगा तो अंडर रूट 16, 16 का रूट होता है तो लिख दो, कोई वैल्यू ऐसी होती जिसका रूट नहीं होता तो हम रूट में छोड़ देते, रूट पता है तो लिखो, नहीं पता तो रूट में छोड़ो, ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली आपका सेंटर आ गया, सेंटर था एच के यानी फोर और माइनस थ्री, फोर और माइनस थ्री। अल्टीमेटली देखो आपकी रेडियस भी आ गई, रेडियस आर इज इक्वल टू कितना था फोर,
दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो ये था सर्कल का खेल, ये था बता दोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, लास्ट वाले का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा x माइनस वन का स्क्वायर और यहां मैंने कहा y माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, यहां प्लस ले लेता हूं, यहां भी प्लस ले लेता हूं और मैंने यहां का थ्री, ये रहा मेरा क्वेश्चन। और इसने कहा है फाइंड करो नंबर वन सेंटर, नंबर टू रेडियस, ये निकालना है। कैन वी सॉल्व इट? हाउ? कंपेयरिंग। हाउ? कंपेयरिंग। पहले बताओ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है, बोलो। x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। प्रॉपर तरीके से आपको यहां लिखना है ऐसे करके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल पूरा आपको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर लिखित के नंबर देगा, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मैटर करते हैं। यस और नो? दैट्स ग्रेट। ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, इसको यहां लिख देना गिवन करके। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपैरिजन, ये माइनस का एच है, ये प्लस का वन है, तो एच की वैल्यू माइनस वन हो गई, पता है ना। अगर यहाँ प्लस का लिखा है तो माइनस का रिजल्ट लेना है, और माइनस का लिखा है तो प्लस का रिजल्ट लेना है। यहां बताओ जरा k की वैल्यू हाउ मच? माइनस का थ्री। और r स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? थ्री। तो r इज इक्वल टू रूट थ्री, इट विल ऑलवेज रिमेन इन अंडर रूट, बिकॉज रूट थ्री की वैल्यू रखना की जरूरत नहीं है, हालांकि हमें पता है 1.73। इस तरह से सेंटर बताइए इसका, माइनस के और माइनस थ्री, रेडियस बताइए इसकी रूट थ्री। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो बच्चों, हो जाएगा। अभी बहुत आसान आसान आ रहे हैं, इसके बाद आरडी के भी न्यूमेरिकल आएंगे, एग्जाम्पलर के भी आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे, बट अभी हमने थोड़ा सा आसान से स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार खींच लो इसका, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला 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 क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है इफ सेंटर, सेंटर इज माइनस वन एंड टू एंड रेडियस, उल्टा सवाल आ गया, रेडियस इज रूट थ्री, उल्टा सवाल ले लिया मैंने, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए। अब मैंने न्यूमेरिकल को पलट दिया, आसान है, बहुत इजी है। बताओ जरा सेंटर कितना दे रखा है, माइनस वन और टू दे रखा है, मतलब ये एच है और ये क्या है, ये के। रेडियस कितनी दे रखी है बताओ जरा फटाफट से, आर बोलूंगा उसे, वो रूट थ्री दे रखी है। आप लिखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन लिखो या फॉर्म लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द। नाउ पुट 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 व्हाट वैल्यूज, पुट कीजिए, एच की जगह माइनस वन तो प्लस हो जाएगा, वाई प्लस माइनस माइनस प्लस, वाई ऐसी रहेगा, के की जगह टू आ जाएगा और आर की जगह रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन इस टाइप से आए तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यू नीड टू ओपन इट ऑल्सो, यू नीड टू ओपन इट। ओपन करो इसे, कैसे खोलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आइडेंटिटी ए प्लस बी का स्क्वायर, इसे भी ओपन करो, कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहां पर थ्री, तो क्वेश्चन पूरा ओपन करना पड़ता है। अरेंज कर लो, पहले एक्स स्क्वायर, फिर साथ में वाई स्क्वायर, टू एक्स साथ में फोर वाई, नंबर ये वन है, ये फोर है और ये थ्री है, वन और फोर फाइव हो गए, फाइव में से थ्री इधर आके माइनस हो जाएगा प्लस टू, तो देखो ये आपका आंसर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। स्क्रीन शॉट इसका एक बार खींच लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या सिखा रहा हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये वो टॉपिक है जो टेंथ क्लास के अंदर डिलीटेड था, हालांकि मैंने पैराबोला की वीडियो के अंदर भी आपको सिखाया है लास्ट में, अगर नोटिस किया हो तो। यस और नो? वेरी गुड। देखो ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या माइनस भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस भी हो सकता है। तो हाउ टू मेक कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये टेंथ में डिलीटेड था, तो देखो ऐसे करते हैं, x है तो x लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस। अब ये बताओ यहां पर कौन सा साइन आना है, प्लस आना है कि माइनस आना है, जो होगा जो होगा हमें नहीं पता, प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो x का जो कोएफिशिएंट है, देखो ये रहा b, इसका हाफ लिखना है b by 2 और स्क्वायर लगा देना है। जैसे यहां लिखा है 4 तो 2 लिखो, वहां लिखा है 10 तो 5 लिखो, वहां लिखा है 6
तो 3 लिखो, वहां लिखा है 5 तो 5 बाई 2 लिखो, डेसिमल में मत लिखो 5 बाई 2, 7 लिखा है तो 7 बाई 2। इसके बाद यहां माइनस ही आएगा हमेशा, ये वाला आप ध्यान रखना है, माइनस ही आएगा। जो वैल्यू आपने अंदर लिखी है इसी का स्क्वायर लिखना है, याद आया कि नहीं आया, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये मैंने हाइपर बोला पैरा बोला की वीडियो में बताया था, एंड में जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था लास्ट वीडियो, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल यहां पर हम ले लेते हैं। ये रहा मेरा सवाल, कह रहा है फाइंड सेंटर, सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। ये रहा मेरा सवाल, ये क्वेश्चन है 2x² प्लस 2y² माइनस 8x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया मैंने, एनसीईआरटी का नहीं लिया, ओके। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है सेंटर बताओ, रेडियस बताओ, ये बताओ, वो बताओ। पहले ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है ये जर्नल फॉर्म में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में? जर्नल फॉर्म में। ये क्वेश्चन जर्नल फॉर्म से भी हो सकता है, यानी मैं चाहूं तो इसे अभी के अभी कर सकता हूं, लेकिन टीचर, कुछ टीचर पता है बोलते हैं कि भाई जब बुक के अंदर जर्नल फॉर्म है ही नहीं तो आप क्यों यूज कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म लगाओ, ऐसे बोलते हैं। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है ये भी, तो टीचरों का भी तो है, क्योंकि हमें तो मार्क्स चाहिए, नॉलेज भी है हमें, भाई जनरल फॉर्म क्या होती है हमें मालूम है, आपको भी अब मालूम हो चुका है, लेकिन टीचर का अलग अलग है ना, स्कूल का अलग अलग हुआ है फंडा, तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म से भी सीख लो। उनका मतलब यह है कि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद सवाल सॉल्व करो। तो जरा देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले x² y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, x² y² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, 1। तो 2 यहां से हटा दो, x² आ गया, y² आ गया, माइनस का 4x प्लस का 3y प्लस का 1/2 बराबर 0। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने 2 से डिवाइड। अगला स्टेप, जो x वाले हैं उन्हें एक साथ एक ब्रैकेट में कैद कर लो, y वालों को एक साथ एक ब्रैकेट में बंद कर लो, कांस्टेंट को उधर फेंक दो, जो अकेला कांस्टेंट है ये रहा। यहां तक बताओ बात पकड़ में है कि नहीं? मैं आपको कंप्लीट स्क्वायर करना बता रहा हूं, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर, हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर, ऑलराइट। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, एक्स और एक्स वालों को एक डब्बे में बंद, वाई और वाई वालों को एक डब्बे में बंद, कॉन्स्टेंट को उधर फेंको, प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो दैट्स ग्रेट। चलिए जी, ये वाली फिलोसफी लगाते हैं इसके ऊपर, एक्स लिखूंगा, माइनस है तो माइनस ही लिखूंगा, एक्स के साथ 4 है तो मैं 2 लिखूंगा, स्क्वायर बंद, या माइनस ही आएगा, जो अंदर नंबर है इसका स्क्वायर लिखूंगा। बताओ ये वाली बात अप्लाई करनी आई कि नहीं आई? मजाक कर रहे हो, ऐसे सी बताओ पक्का दिल से? चलो अच्छी बात है, फिर तुम अब तुम इसका जवाब दो मुझे, बताओ जरा, पहले क्या लिखूं? माइनस आएगा ना, माइनस ही तो आएगा, माइनस आएगा ना, क्यों प्लस आएगा? हाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, कुछ बच्चे बोल रहे थे कुछ भी लगा लो क्या है, लगाना ही तो है। चलो इसके बाद यहाँ कितना आएगा? 3/2, क्योंकि आधा लेते हैं स्क्वायर, यहाँ तो प्लस आएगा ना, क्यों? माइनस ही आता है हमेशा, तो यहाँ माइनस ही आता है, नो मैटर अंदर क्या है, अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये माइनस का 1/2। बोलो आया समझ? अरेंज कर लो, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये वाई प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 9/4, ये 4 उधर फेंको, प्लस का हो गया भाई, एलसीएम वगैरह ले लो और देखो कुछ कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, अरे ये तो आ गया, नहीं आया? एलसीएम लोगे तो एलसीएम मेरे ख्याल से 4 ही आएगा शायद, यहाँ कितना आएगा? माइनस का 2, ये 9, ये 16 हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? एक्स माइनस 2 का स्क्वायर वाई प्लस 3/2 का स्क्वायर कितना आया भाई? 16 9 25 23 आ गया, 23/4, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्या करते हो तुम इसके बाद? आप लिखते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होती है बताना, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इस तरह से। ये होगा इक्वेशन नंबर 2, कंपैरिजन। अब क्या होगा? कर दो कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, h यहाँ h है, h यहाँ पे क्या है? माइनस 2, ये माइनस है ना, हाँ तो h की वैल्यू तो 2 ही आ गई, अरे माइनस है तो प्लस लूंगा ना, और यहाँ प्लस है तो k की वैल्यू माइनस का 3/2 आ गई, और r स्क्वायर कितना आ गया? 23/4, r कितना आ जाएगा? √23/2, क्योंकि स्क्वायर जब वहां जाएगा तो रूट बनेगा, 23 तो रूट में रहेगा लेकिन 4 2 बन जाएगा,
बस चीजें आ चुकी हैं, बताओ जरा सेंटर तुम्हारा कितना आया है, टू और माइनस का 3/2, बताओ जरा तुम्हारी रेडियस कितनी आई है, √23/2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हो तो एक्सरसाइज 11.1 में 1 से लेकर 9 तक हो गए शायद, जरा देखना नजर मारना, 1 से लेकर 9 तक आप लोग कर सकते हो, 1 से लेकर 9 तक यू कैन डू। तो 11.1 का 1 से लेकर 9 तक यू कैन डू, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क अच्छे से सॉल्व करें, पहले से देखें, तो अभी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा इस वीडियो में। ठीक है, इतना समझ आया? टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। और अगर किसी को जर्नल फॉर्म से करना था तो देखो ये ऐसे होना था, एक्स और वाई को तो कोफिशियंट फ्री बनाना ही है, मतलब कोफिशियंट 1 होना चाहिए, यहां तक ले आए इसे, इसे फर्स्ट बोल दो, इसके बाद ना इसको कंपेयर करवा दो इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो आप देख रहे हो x के साथ क्या है -4, यहां क्या है x के साथ 2g, तो 2g इज इक्वल टू -4, g की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। यहां देखो y के साथ क्या है 3, यहां पे क्या है 2f, तो 2f इज इक्वल टू 3, तो देखो f की वैल्यू 3/2 आ जाएगी डिवाइड करके। लो जी सेंटर इसका -g और -f होता था, तो लिखवाया था मैंने, तो देखो -g ये पहले ही माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देखो वही आंसर आ रहा है, मैच कर लो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? तो जनरल फॉर्म थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन अब टीचर की बात है, अब तुम्हारा टीचर अगर बोलता है तो कर देना, स्कूल की बात है ना। अब रेडियस निकालनी है तो देखो इधर कितना है सी, इधर कितना है सी, 1/2, तो सी की वैल्यू 1/2 आ गई, तो रेडियस के लिए √g² + f² - c, ये रहा जी कितना है, ये रहा -2, तो 4 हो गया, एफ कितना है, ये रहा 9/4 हो गया, और सी कितना है, सी हमारा अभी ऊपर आया 1/2, सॉल्व कर लो, देखो बिल्कुल सेम ही आ रहा रिजल्ट, देखो ये रहा कहाँ है, ये रहा देखो बिल्कुल सेम आएगा रिजल्ट, निकालोगे ना देखो 4 चौक ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये हो जाएगा 4, तो देखो वही आ गया √23/2, सेम आ गया। अब तुम्हारे पास दोनों मेथड हो गए, स्टैंडर्ड भी और जर्नल भी, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब वीडियो को आराम से रोक के पहले से नोट कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, ऑनलाइन पीपल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़े। Yes, आगे बढ़ते हैं। हम मुझे जरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता दो एक, कहां गया ये? अच्छा ये तो वो है, मैं सोच रहा ये पीपीटी है, पीपीटी में यहां पर ऐसे प्रेस करते हैं तो वो आता है ना वर्ड वाला, मैं तो आपको मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ, बताओ जी क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड व्हिच सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। ठीक है, जो ऑनलाइन पीपल है दे कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। ओके, ये 11.1 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से समझे, क्वेश्चन बोल रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जो इन दो पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक है 4,1 एक है 6,5 और उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर है। डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा हो गया एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गई यहां से लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है इसकी इक्वेशन है 4x + y = 16। यस और नो बडी? ये सेंटर है और सेंटर हमें पता है h और k होता है। यस और नो बडी? तो ये सेंटर इस लाइन के ऊपर है और ये दो पॉइंट हैं, एक ये और एक ये इस सर्कल के ऊपर है, तो कहीं भी बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कहीं पर भी ले लो। हम कौन सा एक्यूरेट डायग्राम बना रहे हैं, हम तो जस्ट आइडिया ले रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग एन आइडिया। तो पहले वाले को a का नाम दे दो 4,1, दूसरे वाले को b का नाम दे दो 6,5। ये मेरा सवाल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेडियस नहीं हो जाएगी और ये भी देखो रेडियस नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब जब तक मेरे पास एच के और आर नहीं पता होंगे आई कांट मूव फर्दर, मैं सर्कल की इक्वेशन बता ही नहीं सकता। तो पहले सवाल को समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगेन यही कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 4,1, 6,5 एंड हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस, तो मैंने उसको देखते हुए डायग्राम बना दिया। यस बडी, लास्ट एवरीवन इन द हाउस, दैट्स ग्रेट। तो यहां पर अब बढ़ते हैं और देखो ऐसे करके यहां पे लिखते हैं, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर। हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही खेल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमारी बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अदरवाइज जनरल फॉर्म से खेलना भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ जाएगा वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इसे फर्स्ट मान के छोड़ो, ये आपकी हो गई सेकेंड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे बोल दूं कि सेंटर ओ एच के लाइज ऑन लाइन टू, तो कोई एतराज है? ये तो सवाल में दिया हुआ है कि सेंटर एच के इस लाइन पे लाई कर रहा है। लाई का मतलब क्या? एक्स की जगह एच और वाई की जगह के, लाई करना सेटिस्फाई करना एक ही बात होती है, लाई करना सेटिस्फाई करना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस एक्स की जगह एच डालो और वाई की जगह के डालो, तो ये बनेगा 4h plus k is equal to 16। इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। यस और नो? वन भी है, टू भी है, थर्ड भी है, सारा माल हमारे पास है। अच्छा अब अगर तुम ध्यान से देखो और मैं ऐसे लिख दूं OA बराबर OB, तो कोई एतराज है? क्यों नहीं है बताओ? सेम रेडियस, सेम रेडियस, OA बराबर OB लिख दिया। O से A की डिस्टेंस और O से B की डिस्टेंस सेम होगी। थिंकिंग अप्रोच है ये। क्यों? अरे जो जो हमें पता है हम वही वही तो लगाएंगे। एनी हाउ हमें एच के और आर निकालना है। एच के और आर निकालते ही वी आर किंग, वी आर किंग, बस। तो ओ ए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ओ बी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। लगाना जरा बेटा, एच माइनस फोर का स्क्वायर, एच माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला है यार, एच माइनस फोर बोल दो या फोर माइनस एच बोल दो। यहां लगाना जरा के माइनस वन का स्क्वायर, k माइनस ओ बी में लगाओ, h माइनस सिक्स का स्क्वायर यहां लगाओ जरा, k माइनस फाइव का स्क्वायर, सही है। स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी तो अंडर रूट तो उड़ जाता है, अंडर रूट तो उड़ जाता है। मैंने पहले उड़ा दिया, ठीक है, बाद में उड़ाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद खत्म कर दो, उड़ा दो, लिखो ही मत, जरा इसे खोल दो एक्सप्रेशन से। आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे यस और नो? तो a माइनस बी खोलो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखते रहना भाई कोई मिस्टेक ना हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ गया। ये बोल रहा है आओ जी मुझे उड़ाओ जी उड़ा दो, आओ जी मुझे उड़ाओ जी उड़ा दो। अब देखो एच वाला, ये एच वाला है नंबर, ये भी देखो एच वाला है, बारह एच यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस में से आठ होगा तो फोर एच बचेगा। आगे देखो के वाला नंबर, ये टू के है, ये कितना है टेन के, टेन के यहाँ आएगा तो प्लस का बनेगा, एट के बनेगा, कॉन्स्टेंट को उधर फेंकेंगे, थर्टी प्लस का बनेगा, सॉरी 36 और 25 ऐड करते रहो भाई, जरा कितने हो गए, पांच छह ग्यारह, तीन दो पांच, 61 हो गए। इसमें से 16 और 1 उधर जाके माइनस होंगे, मतलब 17 होंगे ना माइनस, कितना आया 4, यहाँ 4 44 आया। यहां तक बोलो जी, कोई दिक्कत है? इक्वेशन नंबर चार, ठीक है। पीछे वाले बच्चे थोड़े रोमांटिक से हो रहे हैं, चक्कर क्या है, बातें बातें आ रही है आवाज, तुम दोनों जरा ज्यादा बातें कर रहे हो, ऐसा मत करो यार, तुम अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, आजकल तो हर स्कूल के बच्चे अच्छे ही हैं, टॉपर हो रहे हैं, बातें मत करो, क्लास को समझो ध्यान से, ठीक है बेटा। चलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? अरे अब तो एलिमिनेशन लगेगा, अब क्या लगेगा? देखो इन दोनों में लगाओ एलिमिनेशन, तो यहां लिखो ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। कहां करूं यार, यहां कर लूं क्या? ये कितना है 4h plus k is equal to 16, ये थर्ड नाम था इसका, और ये कितना है 4h plus 8k is equal to 44, ये फोर्थ नाम था। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, यस ये तो हो गया कट, यहाँ कितना आया माइनस का 7k, यहाँ पे जरा बताना कितना आया, जो भी आएगा माइनस का आएगा 28 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, लाइक 5/2, 7/2, तो डरना नहीं है, कभी डर जाओ कि मास्टर जी की तो सही से आई थी, हमारी खराब सी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 11th क्वेश्चन में फ्रैक्शन में ही आएगी, एक वैल्यू आएगी माइनस 7/2, एक आएगी 5/2, ठीक है, प्लस माइनस देख लेना। के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू को यहाँ रख दो, क्या रख दो, यहाँ कर रहा हूँ फ्रॉम, इसमें रख दू थर्ड में रख दो, रख दो जरा भाई, के की वैल्यू रखो 4, तो कितना हो जाएगा 4h प्लस में 4 बराबर 16, तो 4h बराबर कितना आ गया 12, h कितना आ गया बोलो 3 आ गया। बात समझ आ गई सबको? थोड़ा सा देख लेना एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान रखना h की वैल्यू कितनी है 3, 4,
तो हमारे पास सेंटर आ गया, हमारे पास सेंटर आ चुका है 3-4 आ गया ना। अब हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए देखो ना, रेडियस क्या है, या तो ओ ए ले लो या ओ बी ले लो, या तो ओ ए ले लो या मर्जी आपकी। ओ ए कितना है, 4-1 पॉइंट है, ध्यान रखना। तो मैं ले रहा हूं रेडियस में आर बराबर ओ ए, तेरा ए यहां पे मैं लिख देता हूं, पॉइंट था 4-1। निकाल दो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जब भी दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस लगाओ। 3-4 या 4-3 एक ही बात है, 4-1 ये रहा जी। तो आर बराबर बताओ जरा, 3-4 गया, -1 का स्क्वायर, यहां पर 3 का स्क्वायर, बताओ जी कितना आ गया, 1-9, बताओ जी कितना आ गया, √10, आर आ गया, आर बस आर आ गया। तो खेल खत्म, अब आ गए इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या होती थी, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। h कितना है बच्चों, h कितना है, ये रहा 3, k कितना है बच्चों, k कितना है, ये रहा 4, r कितना है बच्चों, √10। यहां मत छोड़ना, वो पूरा आंसर मांगता है जनरल फॉर्म में, अगर आप एनसीईआरटी में आंसर देखोगे तो पूरा आंसर मांगता है। कर दो सॉल्व, a माइनस बी के फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना हो गया 10, स्क्वायर से रूट कट गया। अरेंज करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 8y, 16 9 25, 10 इधर आया 15, यू गॉट योर रिजल्ट, यस और नो? यस सर। बस इसका स्क्रीनशॉट लो, आराम से अगला क्वेश्चन ट्राई करो, पहले इसी क्वेश्चन को ट्राई करो फिर अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है? दोबारा देख लो एक बार, आपको दो पॉइंट दिए हुए थे, ये सर्कल के ऊपर थे और सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर था, सेंटर एच के को मैंने लाइन में डाल दिया, तो मेरे पास एक इक्वेशन रेडी हो गई, तैयार हो गई। कहां है वो रेडी वाली इक्वेशन, ये भी। फिर मैंने देखा ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी रखा मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, मैंने दोनों के अंदर एलिमिनेशन लगाया, मेरे पास एच और के आ गया, एच और के आते ही रेडियस निकाल लो, या तो ओ ए से या ओ बी से, रेडियस निकालते फॉर्मूले में रख दो और रखते फिर एक्सप्लेन कर दो, ये विल गेट आंसर। बस ये ध्यान रखना, एच और के फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, माइंड मेक करना अपना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चन आता है, बेहतरीन सा, कौन साइक्लिक वाला कोई क्वेश्चन बताओ जरा, कौन साइक्लिक वाला बढ़िया क्वेश्चन है बताना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। यस, आराम आराम से, शो दैट द पॉइंट्स 9,1, ओके, 7,9, ओके, -2,12, ओके, 6,10, आर कौन साइक्लिक, आर कौन साइक्लिक, लो जी कौन साइक्लिक, ये रहा क्वेश्चन, कौन साइक्लिक की स्पेलिंग गलत हो गई है, चेक कर देते हैं, कौन साइक्लिक, साई एल, अरे यार साई एल आएगा ना, सी एल आई सी, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये साइक्लिक स्पेलिंग भूल गया बताया, सही है साइक्लिक, ठीक है? वो तुम्हें देख देख के ना मुझे भी नींद आ रही है, वो पीछे वाला सो रहा है ना, वो ऐसे कर रहा है, कब क्लास खत्म होगी, कब मैं घर जाऊंगा, कौन साइक्लिक, ठीक है भाई? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में नए टाइप से भी आता है, वो ऐसे ना देखकर के वो 3 पॉइंट दे देता है ऐसे करके, और बोलता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो मैंने थोड़ा एडवांस क्वेश्चन ले लिया, नहीं समझे? ये मैंने दो क्वेश्चन ले लिए, 4 पॉइंट देगा तो कौन सा क्लिक पूछ लेगा, 3 पॉइंट देगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो मैं 4 पॉइंट वाला बता रहा हूं, तो 3 पॉइंट वाला तो आपसे हो ही जाएगा, फिर नहीं होगा है ना, क्योंकि 3 पॉइंट वाला तो मैं करूंगा ही ना इसके अंदर। इसका मतलब समझो, सवाल क्या कह रहा है, चाह रहा है, सवाल ये बोलना चाह रहा है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ठीक है? दिस वी नीड टू प्रूफ, वी नीड टू प्रूफ कि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। मान लो ये ए पॉइंट है, नाम दे दिया मैंने 9-1, ये बी पॉइंट है, नाम दे दिया मैंने 7-9, सी पॉइंट का नाम दिया मैंने कितना -2-12, और डी पॉइंट का नाम दिया मैंने कितना 6 और 10। ये आई नीड टू प्रूव दीज 4 पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, उसे कहते हैं कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक, जिसकी स्पेलिंग में भूल गया था, ठीक है? आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसे,
तो अगेन इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो आप जर्नल फॉर्म से सॉल्व करो या आप स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करो। ठीक है, हम सारे सवाल स्टैंडर्ड से कर रहे हैं इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड ही बता रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी उससे भी हो जाएगा। तो आप पहले तो लेट करो, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, सेंटर होगा जिसका नाम h और k। क्या आपको मालूम नहीं है रेडियस है, क्या आपको मालूम नहीं है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं दो सवाल सिखा रहा हूं, ये सवाल या तो ऐसे आता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, तीन पॉइंट देता, तो अभी वो तीन पॉइंट वाला सवाल ही सॉल्व हो रहा है, कौन सा क्लिक की बात तो बाद में आएगी, समझना ध्यान से अब। ठीक है, तो यार मैं ऐसे करके बोल दूं, कैसे करके ओ ए बराबर ओ बी, ऐसे सवाल है एनसीईआरटी में भी है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वाला, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा है, तीन पॉइंट वाला बन जाता है वो ऐसा। पहले बताओ ओ ए बराबर ओ बी बोल सकता हूं मैं, क्यों बोल सकता हूं, रेडियस है। तो जरा निकालना, जरा ओ ए पहले निकालते हैं, ओ ए निकालो, अंडर रूट एच माइनस नाइन प्लस के माइनस वन बराबर, ओ बी निकालो जरा, ओ बी एच माइनस सेवन, थोड़ा कैलकुलेशन है भाई जरा ध्यान रखना, k माइनस नाइन, कैलकुलेशन का ध्यान रखना बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड से अंडर रूट हट जाएंगे। ठीक है, अंडर रूट हट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एम आई राइट, और यहाँ क्या बचेगा k स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के, एम आई राइट, यहाँ क्या बचेगा एच स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एच, और यहाँ क्या बचेगा k स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 के, यस और नो, थोड़ा ध्यान देना कैलकुलेशन पे। अगेन ये बोल रहा है आओ जी कोड़ाओ जी काटो जी, काट दिया जी। चलो 18h के पास, 18h के पास 14h आएगा तो प्लस का आएगा तो माइनस का 4, ध्यान देना बेटा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 2k के पास आएगा 18k, a प्लस का आएगा, प्लस का 16k, कांस्टेंट उधर फेंकेंगे, 49 और 81 को जरा ऐड कर लो भाई, 81 और 49 कितने हो गए, 9 और 1 10 8 4 12 130, 130 के पास 81, अरे 81 तो मैं काट ही देता यार, चलो अब काट ही देता हूं यार, क्या यार तुम बताते नहीं हो, ये भी बोल रहा है मुझे भी उड़ा दो, उड़ा दो चलो इसे भी, या कितना बचा 49, और यहां ये 1 बचाना खाली माइनस का 1, am I right? 4h plus 16k is equal to 48, इसे मिनिमम फॉर्म में ले जाओ, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से तो माइनस का h बचेगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 दूनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, बोलो है नहीं आई। अच्छा सवाल की अप्रोच समझ में आ रही है तुम्हें, देखो अब क्या होगा, मैंने OA बराबर OB लिया, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, अब मैं OA बराबर OC ले लूंगा तो मेरे पास दूसरी भी आ जाएगी, दो इक्वेशन आ जाएंगी, फिर एलिमिनेशन से एच और के मिल जाएगा, एच और के मिल जाएगा, फिर रेडियस से वो रेडियस मिल जाएगी, या तो ओ ए से ओ बी से, फिर इक्वेशन मिल जाएगी, मेरी अप्रोच है जब मेरी इक्वेशन मिल जाएगी तो उस इक्वेशन में जो मेरा आंसर आ गया है उसमें रख दूंगा मैं ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट उसे सेटिस्फाई, हेंस सर्कल्स आर, हेंस दिस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, तो काम थोड़ा बड़ा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगेन पूरा बताता हूं मैं सवाल आपको, अगेन ओ ए बराबर ओ सी ले लो, मर्जी आपकी है, ओ ए बराबर ओ सी ले लो या ओ बी बराबर ओ सी ले लो, कोई फर्क, क्योंकि सब कुछ रेडियस है, ये भी सेम रेडियस, ध्यान देना जरा भाई आप एक मिनट के लिए कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ओ ए, ओ ए तो हमारे पास ऑलरेडी है एच माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस के माइनस वन का स्क्वायर, ओ सी, ओ सी बताओ जरा भाई, एच माइनस टू, एच प्लस टू हो जाएगा, फिर बताना जरा k माइनस 12 हो जाएगा, ये रहा स्क्वायरिंग बोथ साइड से अंडर रूट हट जाएगा, ओपन इट, a स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4h, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24k, am I right or wrong? वेरी गुड, आराम से आओ जी काटो जी, आओ जी काटो जी, और कुछ आप इसमें नहीं कट रहा कुछ भी, है ना, कोई बात नहीं, नो इशू। एच वाले देखो 18h है,
यहाँ कहाँ है h वाला बंदा, 4h है, 4h इसके पास आएगा तो माइनस का 14h बचेगा। आगे देखो यहाँ पे 2k है, अच्छा माइनस का है क्या, प्लस का है, प्लस का है, ठीक है 22 हो जाएगा। देखा हरे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ठीक है, और मेरा सहारा तुम नहीं हो तो देखो मैं कितनी सारी मिस्टेक कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्या हंसी आ रही है क्या? नहीं मैं सीरियसली आई एम रियली ओब्लाइज्ड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। दोबारा बताना जरा, माइनस का 22h, आगे बताओ। आज तुम्हें फीलिंग आ रही होगी यस अपुनिच भगवान है। हाँ जी बताना जरा, 24 के इधर आएगा तो प्लस का इसके पास, माइनस का 22 लिख दो क्या? अरे क्या हो रहा है, अब मैं जानबूझ के करने लग गया हूँ, नहीं नहीं मेरे से मिस्टेक हो रही है, ठीक है आई एक्सेप्ट। आगे देखो अब 144 के पास 4 तो 148 हो गया, और ये 81 और 182 माइनस के हो जाएंगे, सही है। अब जरा बताओ जल्दी से, 22h 22k बताना जरा, यहाँ पर कितना आएगा? 66 आ जाएगा। अब ये कट सकता है ना, किससे? 22 से कट जाएगा, तो 22 से काट के ये माइनस का एच हो जाएगा, ये k हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 या थर्ड? अरे वाह लवली लवली इक्वेशन आई है। एलिमिनेशन लगाओ एच के पाओ, एलिमिनेशन लगाओ एच के पाओ, लगाओ एलिमिनेशन, यहाँ लगा लेते हैं एलिमिनेशन, कहाँ मेरा डब्बा कहाँ गया, अच्छा पीपीटी तो है नहीं, लगाओ जी एलिमिनेशन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। देखो सर बच्चों ये कितना है, माइनस एच प्लस 4k इज इक्वल टू 12, और ये कितना है, माइनस एच प्लस k इज इक्वल टू 3। एलिमिनेशन तो लगा हुआ है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये तो हो जाएगा कट। 4 में से ये गया तो कितना आया 3k, यहाँ कितना आया 9, k की वैल्यू कितनी आ गई 3, k की वैल्यू आती है फ्रॉम सेकंड माइनस h, k की वैल्यू 3 है 12 हो जाएगा, बराबर कितना है 12, h कितना आ जाएगा 0, यस और नो? सेंटर आ गया, सेंटर आ गया कितना 0 और 3, सेंटर आ गया 0 और 3 आ गया सेंटर। अब निकालो रेडियस, आगे बढ़ रहा हूं, बताओ OA निकालो, OB निकालो, OC निकालो, कुछ भी निकालो सेम ही है, OA निकाल लेते हैं, 03 था ये, ठीक है 03 था। देखो जी सेंटर हमारा आया था 03 और ए पॉइंट हमारा 91 था, तो रेडियस निकाल रहा हूं मैं, अप्रोच एक बार दोबारा बताऊंगा मैं आपको क्योंकि थोड़ा हेक्टिक सा हो गया है। निकाल लेना भाई, 9 माइनस 0 का स्क्वायर बोलो या 0 माइनस 9 बोलो, 1 माइनस 3 का स्क्वायर बोल दो, बताओ जरा आर कितना आया 81, यहाँ कितना आया 4, कितना आ गया 85, रेडियस आ गई, आगे रेडियस। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल थी x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, x माइनस एच कितना है 0, y माइनस k कितना है 3, r कितना है रूट 85, मतलब 85 ही बोल दो, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो x स्क्वायर रहेगा, ये y माइनस 3 स्क्वायर रहेगा, ये कितना है 85, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, इतना आ गया, ठीक है ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, खोलने की जरूरत नहीं है। अब हमें अगर ये सवाल तीन पॉइंट वाला होता, अगर ये सवाल अगर यहाँ पे साफ साफ लिखा होता कि फाइंड इक्वेशन फ्रॉम थ्री पॉइंट्स तो हम इतना ही छोड़ देते क्योंकि इस्तेमाल अभी तक तीन पॉइंट का हुआ है, अब करेंगे हम चौथे पॉइंट का इस्तेमाल, वो कितना था 610, क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें इसे कॉनसाइक्लिक प्रूफ करना है, तो यहां पे लिखेंगे फॉर कॉनसाइक्लिक साई क्या थी सी वाई एल सी एल आई सी कॉनसाइक्लिक फॉर कॉनसाइक्लिक फॉर कॉनसाइक्लिक ऑन पुटिंग, बताओ जरा डी पॉइंट कितना था 610, पुट कर दो भाई 610 इन फोर्थ, इधर देखो x की जगह 6 का स्क्वायर, y कितना है 10 माइनस का 3 बराबर कितना है 85, खोलना जरा कितना आ गया 36, इसे खोलना 49 इज इक्वल टू कितना है 85, जरा चेक करो उसका सम 9 6 15, अरे खतरनाक 85 बराबर
Hence points are concyclic. Hence points are concyclic. Concyclic. प्रूफ करना था ऐसे हो जाएगा प्रूफ. तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आएगा तो ज्यादा पेयर नंबर का आएगा. ठीक है, तरीका एक बार फिर से, तरीका तो देख लिया हमने है ना. तीन पॉइंट इस्तेमाल होने हैं. OA बराबर OB रखो, HK में एक रिलेशन आएगा. OB बराबर OC रखो, HK में एक रिलेशन आएगा. दोनों में एलिमिनेशन लगाओ, H और K आएगा. फिर R निकाल लो, फिर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. उस आंसर में चौथा पॉइंट पुट कर दो, सेटिस्फाई हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं. एक मिनट टाइमिंग देख लेता हूँ पहले मैं, दूसरा बैच किया टाइम तो है. चलो दूसरा क्वेश्चन बोलना बेटा. ठीक है, माइनस 6x प्लस 12y हाँ प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, और कुछ? एंड हैज डबल ऑफ इट्स एरिया. देखो भाई जरा सवाल पहले समझो. इसने ये कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल. ये वाला मतलब एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है हमें जो कॉन्सेंट्रिक है इसके साथ. अब इसका मतलब क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है हमें जो कॉन्सेंट्रिक है इसके साथ और उसका एरिया इसका डबल है, उसका एरिया इसका डबल है. इसका जरा मतलब समझो. देखो मतलब ये है कि ये सर्कल है जो मुझे निकालना है, ये वाला ये सर्कल मुझे निकालना है. सर्कल कम आलू ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो. अरे हमारे पास है शेप्स हैं, वी हैव शेप्स, वी हैव शेप्स. कहा है ये रहा सर्कल 2D, ये रहा देखो भाई सर्कल. अरे वाह सेलेक्ट कर लेता हूं. देखो ये सर्कल है जो मुझे निकालना है. ओके ये मुझे निकालना है और ये सर्कल देखो मुझे दे रखा है ये वाला. देखो ये सर्कल ये मुझे दे रखा है ये वाला, क्योंकि मुझे बोला गया ना कि इसका जो एरिया वो डबल हैज डबल ऑफ इट्स एरिया. मतलब ये सर्कल मुझे फाइंड करना है, फाइंड करना है मुझे, और ये सर्कल मुझे दे रखा है जो ये है जिसकी इक्वेशन ऊपर वाली है. और कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम, ये मतलब है कॉन्सेंट्रिक का. ठीक है, इसका मतलब जो अंदर वाला सर्कल है वो तो मुझे देखो दिया ही हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 बराबर 0. हाँ या ना, तो ये सेंटर के बारे में जानकारी मिल सकती है यहां से, जो इसका सेंटर है वही. और किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर निकालनी होती है तो h पता होना चाहिए, k पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए. हाँ या ना, इसको हम कैपिटल H बोल देते हैं, कैपिटल K बोल देते हैं, कैपिटल R बोल देते हैं, इस वाली को स्मॉल H, स्मॉल K और स्मॉल R बोल देते हैं. ठीक है, तो मुझे बाहर वाला सर्कल निकालना है और छोटा वाला मुझे दे रखा है. तो छोटे वाले से ना पहले एच के निकाल लेते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं. पहले से ठीक कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x याद है ये स्टार्टिंग में हमने सीखा था, वाई स्क्वायर प्लस 12y बराबर कितना है माइनस का 15. चलो परफेक्ट स्क्वायर, एक्स माइनस 3 यहां माइनस का 9, जो साइन है वही साइन आता है, बाहर तो हमेशा माइनस आता है. यहां बताओ जरा वाई प्लस 6 यहां माइनस का 36, ये माइनस का 15 ऐसे रहेगा. एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का स्क्वायर, बताना जरा माइनस का 15 9 और ये 30 आएगा. यस सर 30 आ गया. हाउ 45, अच्छा प्लस का 45 माइनस 50 30 आ गया. ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसा हो गया, यहां पर सेंटर एच कितना आ गया 3, ये कितना आ गया माइनस 6, और आर स्क्वायर 30 है तो आर कितना आ गया रूट 30. ठीक है, सेंटर का जुगाड़ हो गया कितना है 3 और माइनस 6, रेडियस का जुगाड़ हो गया रूट 30. यानी ये साफ हो गया कि सेंटर इसका
थ्री और माइनस सिक्स है, तो बड़े वाले का भी सेंटर यही है, यानी जो बड़ा है तो बड़ा के है वो भी यही है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि ये रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, रेडियस के बारे में जानकारी नहीं है। ध्यान से देखो जरा, इसने ये कहा है एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, यस और नो? तो स्मॉल सर्कल मतलब जैसा ये बोलता ना उसी के हिसाब से आप चलते चले जाओ। सर्कल में एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये टू छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट आर स्क्वायर टू, ऐसे ही आर, आर की वैल्यू कितनी है रूट थर्टी, रूट थर्टी का जब स्क्वायर होगा तो थर्टी, तो कैपिटल आर कितना आ गया सिक्सटी, तो आर कितना आ गया रूट सिक्सटी, लो जी ये आ गया आपका कैपिटल आर, आ गया खेल खत्म। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो सर्कल हमें चाहिए, एक्स माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर, वाई माइनस कैपिटल के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, हालांकि एच और कैपिटल एच एक ही बात है, क्यों कॉन्सेंट्रिक है, वो मैंने जानबूझ के नाम रख दिया ताकि आप अलग अलग समझ सको, वो बात एक ही, आर बस अलग है, एक्स माइनस एच की जगह थ्री आ जाएगा स्क्वायर, वाई के की जगह सिक्स आएगा प्लस हो जाएगा, आर की जगह इसका स्क्वायर सिक्सटी, ठीक है इसको आप थोड़ा सा खोल देना एंड यू विल गेट योर आंसर, सी वाई एस कर दिया मैंने, कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर, सी वाई एस का मतलब कंप्लीट योर सेल्फ, यू नीड टू जस्ट एक्सपेंड इट, हो जाएगा। क्वेश्चन जबरदस्त था, देख लेना समझ लेना बढ़िया तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। चलिए जी अगला क्वेश्चन बोलिए भाई, ओके वाई इज इक्वल टू लाइंस बोलिए जरा, लाइंस बोलिए पहली क्या है ये भाई जरा चेक कर लो एक बार, मैडम कहना चाह रही है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो ऑनलाइन पीपल है सुन ले, इसमें लिखा है फाइंड, लिख लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अरे तीन लाइन जब ड्रॉ होंगी ग्राफ में तो तीनों लाइन जब मिलेंगी बढ़ेंगी तो ट्राइंगल ही तो फॉर्म होगा, उस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल, उसकी इक्वेशन बतानी है। अब देखो ये सवाल कितना मजेदार है, सवाल देखो, मान लो एक लाइन ये रही एक लाइन, ये रही लाइन वन, इसे वन बोल देता हूं, इसे टू बोल देता हूं, इसे थ्री बोल देता हूं, और मान लो एक लाइन ये रही, ये लाइन नंबर टू है, और मान लो एक लाइन बच्चों ये गई, ये लाइन नंबर थ्री है, ओके सर्कल देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये तुम्हारा सर्कल है, किसी एंगल से सर्कल लग नहीं रहा वैसे, लेकिन है ये सर्कल, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा यार, ये बड़ा गंदा लग रहा है, इसे जरा ठीक से बना दो वरना फिर समझ नहीं आ पाएगा ना एक्चुअली, ठीक है आई हैव आइडिया, ये बन गया जी सर्कल, ठीक है मच बेटर। अब जरा देखना ये कोई लाइन है ये रही, ये लाइन नंबर है वन, और ये कोई देखो लाइन है ये रही, ये लाइन नंबर है टू, ठीक है और देखो ये कोई लाइन है देखो ये रही, ये लाइन नंबर है थ्री, अब से लग रहा है हाँ, तो देखो ये हो गया इसके पासिंग पॉइंट ए, ये कौन हो गया बी, ये कौन हो गया सी, ये सवाल वही नहीं हो गया फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू थ्री पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं पता है, समझ में यहाँ पॉइंट नहीं पता, अभी जो कॉन्सेंट्रिक वाला किया था उसी का छोटा बच्चा है ये, छोटा भाई है ये, तो पहले पॉइंट निकालते हैं, ये बताओ ए पॉइंट कैसे निकलेगा फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, क्यों क्योंकि देखो ए पॉइंट ना एक तो ये फर्स्ट जा रही है और देखो यहां से आ रही है सेकंड, तो सेकंड और फर्स्ट एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो यहां पे लिखो फोर पॉइंट ए ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करो फर्स्ट क्या है वाई बराबर एक्स प्लस टू, इस वाई की जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू इसे यहां डाल देता हूं, इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन था ना टेंथ क्लास में,
सब्स्टिट्यूशन मेथड वही लगा रहा हूं मैं, तीन वाई है ना, तीन ऐसे वाई की जगह एक्स प्लस टू डाल दो, एलिमिनेशन लगाओ कुछ भी लगा लो, ये फोर एक्स है, ये हो गया थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये हो गया फोर एक्स, और सिक्स फोर एक्स के पास गया थ्री एक्स, तो एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल से सिक्स आ गई, एक्स की वैल्यू को डाल दो इसके अंदर, छह और दो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आठ आ गई, तो पॉइंट ए का जुगाड़ हो गया, कितना है पॉइंट ए बताओ, छ पे आठ, ठीक है। अब निकालते हैं पॉइंट बी, पॉइंट बी बताओ कैसे बन रहा है, इक्वेशन टू जा रही है, देखो ये इक्वेशन टू और इक्वेशन थर्ड जा रही है, तो यहां पे लिखो फोर पॉइंट बी, फोर पॉइंट बी ऑन सॉल्विंग, कौन कौन सी हो रही है सॉल्व बताओ, सेकंड एंड थर्ड, आ जाओ जी सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, ये तो कुछ अगले अलग ही मामला है, कोई बात नहीं, ये टू है ना टू, ये रहा टू, वाई की जगह, वाई की जगह वाई की वैल्यू फोर एक्स बाय थ्री, ये थ्री ना डिवाइड में आ जाएगा, तो फोर एक्स बाय थ्री हो जाएगा, बराबर में कितना है इसके, थ्री एक्स है, ये कितना हो जाएगा एट एक्स, ये कितना हो जाएगा नाइन एक्स, एक्स की वैल्यू देखो जीरो आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो यहां पर सेकंड में, तो वाई की वैल्यू भी जीरो ही आएगी, लो जी बी पॉइंट का जुगाड़ हो गया जीरो जीरो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं सी पॉइंट, कैसे निकलेगा बताओ, फर्स्ट और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड फोर पॉइंट सी, पॉइंट सी के लिए जाओ जी, फर्स्ट का है ये रहा, अगेन ये क्या है टू, वाई की जगह वो भर दो एक्स प्लस टू, बराबर में कितना है थ्री एक्स, टू एक्स प्लस फोर बराबर थ्री एक्स, तो फोर बराबर कितना हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू फोर आ गई, फोर भर दो इसमें फोर और दो छह, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू सिक्स आ जाएगी, तो पॉइंट सी कितना आ जाएगा बताओ, चार पर छ, चार पर छ, ठीक है। अब देखो आपके पास तीन पॉइंट आ चुके हैं, बताओ जरा ए पॉइंट कितना आया था, सिक्स पे रहा एट, बी कितना आया था जीरो जीरो, सी कितना आया था फोर कॉमा सिक्स। अब ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी हमने कॉन्साइक्लिक वाला किया था, जो मैं बार बार बोल रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, क्या करोगे सेंटर मान लोगे एच के करके, है ना, ओ ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, वही ओ ए बराबर ओ बी रखो एक रिलेशन आएगा, फिर ओ ए बराबर ओ सी रखो एक रिलेशन आएगा, दोनों में सॉल्व करोगे एच के आएगा, एच के बाद फिर रेडियस आएगी, उसके बाद इक्वेशन में रख देना, कौन सी इक्वेशन में, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इस तरह सवाल सॉल्व कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो एक छोटा सा हिंट और देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ जरा मुझे एक बार, 11 वो बोल रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ना जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे पास भी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, नहीं सॉरी 13 की बात कर रहा हूं मैं, 13 क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं, पढ़ लेता हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 00 मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो एक तो देखो ये है, देखो ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल, थोड़ा अजीब गरीब सा हो गया, रोमांटिक सा हो गया, लेकिन समझ जाओ, एक पॉइंट इसमें देखो 00 है ये रहा, एक पॉइंट देखो ये है इसमें 0 और बी बोल दो इसे, वाई कोऑर्डिनेट को कर रहा है कट, एक पॉइंट देखो इसमें ये रहा सी, बी कर दो उसे, इसे बोल दो ए और 0, ए और 0, तो ये भी क्वेश्चन अभी जैसे हुआ था वैसे ये तीन पॉइंट आ गए, फिर वही सेंटर मान लेना से एच के करके, एच के निकालो आर निकालो आंसर निकाल देना, हो जाएगा। yes, चलो तो इतना काम था, ये वीडियो आप लोग सारे देखना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अगली वीडियो आएगी इलिप्स और हाइपरबोला की, ठीक है।